जी प्रतापगढ़ में बताओ, ज्यादा तो नहीं कुटे? सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की? और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे, गोरखपुर में एक होटल में थे, सो रहे थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा हो कि 10 मिनट बाद फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, उसकी जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पे जान पारी। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है, और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देख करके कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिरमा में एक लोधी समाज के जानते होंगे रामबक्स वर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले